आप दुनिया का कोई भी काम उठा लीजिए या आपने आज तक बचपन में जो भी काम सीखा है, मुझे बताइए कि क्या पहले दिन से पहली बार से अच्छा करने लगे? क्या पहले दिन ही गोल रोटी बना दी आपने? वो बनी नहीं सकती। कोई अगर ये सोच ले कि मैं रोटी तभी बनाऊंगा जब वो गोल बनेगी, तो मैं आपसे पूछता हूँ, बनेगी क्या? पहले तो वो नक्शा ही बनाएगा, लेकिन करत करत अभ्यास है ना, अभ्यास करते रहोगे, एक ना एक समय आएगा कि बढ़िया गोल रोटी बनाएगा। कोई सोचे कि मैं साइकिल उसी दिन चलाऊंगा जब मैं अच्छे से सीखूंगा। भाई साइकिल चलाना चालू करोगे तो अच्छे से सीखोगे ना, बिना चलाए कैसे सिखाओगे आप? मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे ये सिखाऊं कि पानी में कैसे तैरें। जब तक पानी में नहीं उतरोगे तब तक तैरना नहीं सीखोगे। जब तक कार हाथ में नहीं लोगे, स्टीयरिंग हाथ में नहीं लोगे, तब तक नहीं चला पाओगे। जब तक गाड़ी का हैंडल नहीं पकड़ोगे तब तक नहीं चला पाओगे। पहले आप कई बार गिरे हो साइकिल चलाते चलाते, कई बार आपको चोट लगी है, कई बार आपने मेहनत करी उसमें, लेकिन एक समय बाद मैं देखता हूँ कि जो बच्चा पहले दिन साइकिल पे बैलेंस नहीं बना पा रहा था, जो बच्चा पहले दिन चोट खा रहा था, एक महीने बाद देखा है कि साला हैंडल छोड़ के चला रहा है। एक महीने में हैंडल छोड़ के चला रहा है, वो वही बच्चा है जो पहले दिन गिर पड़ता था। कैसे हुआ? आप दुनिया में कोई भी काम को कनेक्ट करिए, हर चीज को अच्छा कर पाए हैं आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। हर चीज शुरुआत में कठिन थी, हर चीज शुरुआत में असंभव थी, हर चीज में शुरुआत में लाख दिक्कतें आई, लेकिन आपने ठान लिया तो आपने कर दिया। और आपको ऐसी कई चीजें आती हैं जो शुरू में बहुत कठिन थी, ये सब वही है। आपको बस यहाँ पे तकलीफ होती है, पढ़ने में तकलीफ होती है। आपने जीवन में जो सीखा वो सीखा, लेकिन यहाँ पर आप क्या बोलते हो कि कुछ करे बिना मैं अच्छा हो जाऊं? हो ही नहीं सकता यार, करना तो पड़ेगा। अच्छा रूटीन बनाइए, अच्छी मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, नहीं बने और प्रैक्टिस करिए। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे सवाल लगाएंगे, आपसे चीजें बनेंगी। कभी भी कोई सवाल ना बने, निराश मत होइए। सबके साथ यही होता है। जिसने भी तैयारी करी है, जो भी टॉपर रहा है, मैं अपनी बात करूं या जिस भी व्यक्ति को आप सुनेंगे, आप किसी के मुंह से ये नहीं सुनेंगे कि मैंने तो एक बार पढ़ा और मुझसे सब बनने लगा। कोई के मुंह से सुन ही नहीं पाओगे। वो बोलेगा, सर पहली बार पढ़ा, चीजें भूल गए, फिर रिविजन किया, फिर उस चैप्टर के और सवाल लगाए, फिर हमने टेस्ट लगाए, धीरे धीरे चीजें मजबूत हुई और आज देखो क्वेश्चन को देख के हम आंसर दे देते हैं। हर व्यक्ति उसी रास्ते से गुजरा है। एक और बात मैं बता रहा हूं कि जो समस्याएं तुम फेस कर रहे हो, जो जो तकलीफें तुमको पढ़ने में आ रही है, हर टॉपर को, हर तैयारी करने वाले बच्चे को, हर सिलेक्शन लेने वाले बच्चे को सेम प्रॉब्लम्स आई है। दो ही नजरिए हैं, दो ही तरीके हैं। कुछ लोग उन समस्याओं के नाम से बैठे रहते हैं, उनके नाम से रोते रहते हैं, और जिनको सक्सेस होना होता है ना, वो करते हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए, ये समस्या को मैं फोड़ के रख दूंगा, कितना पढ़ना पड़े, कितनी मेहनत करना पड़े, लेकिन इस समस्या को मैं खत्म करके रहूंगा। तो समस्याओं के नाम से रोना है या समस्याओं को फेस करना है, उन समस्याओं को निपटाना है, ये हमेशा आपकी च्वाइस है। जिन्होंने समस्याओं को डराया है सफल वही हुए हैं, और जो समस्याओं से डरे हैं उन्हें तो असफल बोलते हैं। एक चैलेंज के बाद आप रुक जाते हो।